नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में मैं शिवानी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी से बचने के लिए, इसको फैलने से रोकने के लिए, या फिर यूं कहे कि इसको जड़ से खत्म करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भरपूर प्रयत्न किए, हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने सभी बॉर्डरों को सील कर दिया और इन बॉर्डरों का पल पल निरीक्षण व जायजा भी किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया। यूपी सीमा के सबसे लास्ट कोने में बसा जिला, वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमाओं से चारों ओर घिरा हुआ है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने जिले की सभी सीमावर्ती बॉर्डरों पर स्वयं जाकर सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी का जायजा लिया। उन्होंने ललितपुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजघाट यूपी एमपी बॉर्डर का निरीक्षण किया एवं इसकी पहले थाना नाराहट अंतर्गत अमझरा घाटी यूपी एमपी बॉर्डर का निरीक्षण किया और इसके बाद बाला बेहट थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी एमपी बॉर्डर का निरीक्षण किया तथा बानपुर और मेहरोनी क्षेत्र अंतर्गत बालाघाट स्थित बने यूपी एमपी बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद ताल बेहट थाना क्षेत्र अंतर्गत माता टीला डेम पर स्थित यूपी एमपी बॉर्डर का निरीक्षण किया एवं थाना पूरा कला क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले बॉर्डर का निरीक्षण किया। तो वहीं ललितपुर जिले के आला अधिकारी अपनी ड्यूटी का पूर्णतः निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये पूरा मामला। जाने के लिए आपको जब बाहर निकलना है तो अपने चेहरे पे मास्क लगाना है। ये महामारी नाक और मुंह के थ्रू इस शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए मास्क जरूरी है। जब भी जाइए मास्क लगा।